विश्व सहार घेनि मो नाम यज्ञ सेनी विश्व को सहार करबा उद्देश्य रे यज्ञ रो जन्म नै थिबारु नाट अमर यज्ञ सेनी आ ध्वंस मोहर मूल मंत्र केवल प्रतिशोध नेबा आशा रे जन्म नै छु अग्नि मध्यरु ये ब्राह्मण परिवार बोधे चिन्ह नहांती मते जानी नहांती मो विषय रे ब्राह्मण परिवार को कौन करी जानती भस्म स्तूप ठूल कले बंचिबा अकारण धिक्कसे विरोपण नुहे जे साधु संगे तुल आज रागर जर्जरित हो जाइछंती अंतर रे अनेक क्रोध जंत्रणा मध्य जर्जरित रागर जर्जरित से द्रौपदी मान्यस्थ करी देलेनी ठीक सही समय रे हला कोन कले से काल रे प्रवेशिले ये शास्त्र विचार दसे जानी छंदा समय रे पहुंची गले आसी कुलगुरु व्यास देखी देले द्रौपदी कुलगुरु व्यास कले विचारिले कृष्ण यही विप्र परिवार मन मध्य चिंता कले कृष्णा कले ये विप्र परिवार सहित कुलगुरु व्यास की संपर्क आगर चिन्हन से कुलगुरु व्यास कले ये व्यास ब्राह्मण परिवार सहित की संपर्क कहीं आस को देखिया मात्र के ये विषम परिस्थितिर समाधान पाई आज बाट खोजुंत माँ पहुंची जा व्यास निकट रे कले एमती गोटे परिस्थिति सृष्टि रुद्ध द्वारा देश रही गोटे उत्तर दे या को समाधान केमती हम किए कर समाधान कले उत्तर व्यास देव पूर्वे पुत्र व्यास कहले कले तते पर ये कथा आगर कही तो मध्यम पुत्र सम वीर ये पृथ्वी आउ कही ना पण जी कन्या तो सब तो जान एक आगर ते कही पण जी कन्या किणी पुत्र मान तोर फेर सब जानी सुनी जेबे घटी कथा कले तोते सब किछि मु आगर जणै थी तू सब जानी सुनी जदि एमती गोटे परिस्थिति सृष्टि हेछि तेबे याको ही समाधान करिव केवल द्रौपदी व्यास न्यस्त कर द्रौपदी ऊपर मां न्यस्त कर देले द्रौपदी ऊपर दुईटी न्यस्त रहिला कौन न्याय देवे अंतर अंतर जी आम को चिंता कर देले कले हे लीलामय हे जगदीश्वर समस्त विपद रु तुम्हें ही रखिला वाला आस हे प्रभु एते बड़ परिस्थिति एते बड़ समस्या समाधान करिवार सत्साहस मो निकट रे नाही
देखा सखी तुम को डाक थे चली आस विपद कले मन कथा जानी प्रभु चक्रपाणी प्रवेश होइले आसी ये माता पादे मौली भक्ति भरे ढाली मागिले आसी सो अंतर्निहित भावधारा को ही बुझी पारंती तेरु से अंतर जामी अंतर्निहित भावधारा को बुझी पारी आज पहुंच जाई छंद अंतर जामी पुरुष भगवान कृष्ण कृष्ण को देखिया मात्र के आज माँ कुंती दौड़ी गले कृष्ण निकट को गले मो कृष्ण आसिलानी सब समाधान करिबो कृष्ण उत्तर रखिले कले समस्त मन दे कि शुण ए समय रे मु एठी आसी काहे कि पहुंचिले काहे कि पहुंचिले समस्त शुण आज कृष्ण कहउछंती कले आज अबर तो माटी पड़ो छि फाटी शोभनिया कृष्णा समस्ते ईर्षानी तो मनोभाव नहीं जाग्रत पंच पांडव गति पथे हे स्खलन ये पंच पांडव गति पथ को कंटकित करे पराजित रूप मान कौन हम से आवश्यक कौन हम ना ये पंच पांडव कले पांच जन पांडव मध्य ऐक्य हम आस एकता हम सृष्टि दरकार आउ पांडव भितर एकता हम सृष्टि करने एका ही माध्यम हूँ कृष्ण एका द्रौपदी ही माध्यम द्रौपदी माध्यम पांच जन पांडव भितर एकता हम रही पार देखु आज्ञा तीन गोटे न्यस्त रहीगला आज द्रौपदी उपरे माँ न्यस्त करदे कले माँ रुद्ध द्वार देश में रही मु जो उत्तर तद्वारा जो विषम परिस्थिति सृष्टि सामना करू तू समाधान करू तू माँ न्यस्त करदे शाशुर कथा परवर्त मुहूर्त द्वितीय पर्यायर आसे कुलगुरु व्यास कले या समाधान कर शक्ति मोर ना या समाधान कर गुरु न्यस्त कले परिशेष कृष्ण आसिले कले पांच जन पांडव मध्य एकता हम सृष्टि केवल जदि माध्यम हो पार कृष्ण समाधान कर पांच जन भितर एकता हम रही कौन करा न्याय कि उत्तर देवे परिशेष रागरे जर्जरित होते गोटे नारी होता है सर्वसहा
दुख विपद झड़ झंझा सब किछि कि सज्ज्य करि नै हे भाई सत्तरे भाई सब बेरे हे उत्तम न्याय दे थाए आ नारी लोक सहायक ताले मो स्त्री के हां तुम घर कथा तुम स्त्री कथा कोन मंचरे कहउछ अरे तुम कहउछ धरित्री भला सहायक कथा हां हना धरित्री भली ए जेउ मा सही थाए से यशस्वी होए बडाल यशस्वी हां मो स्त्री पाखे नै भाई चाणक्यंकर श्लोक कहिबा अनुजाय आगे स्त्री होउछन दुई प्रकार सुस्त्री आ कुस्त्री स्त्री कथा कहिबारु मने पडला चाणक्यं कथा र र र आज्ञा आज्ञा दे सुनले हां सुस्त्री आ कुस्त्री अच्छा जे आपण कहंतु देखिया मो स्त्री पाखरे को लक्षण अछि अच्छा सुस्त्री लक्षण अछि ना कुस्त्री लक्षण अछि प्रथमे जानिबा सुस्त्री लक्षण कोन कोले क्रोधे दासी रते बेसिया भोजने जननी शर्मा विपदे मंतना बुद्धि ए सानारे प्राण बल्लवा क्रोधे दासी घर झगड़ा होची सासु सहित हो कि दियोर सहित हो ननद सहित जहा सहित भी क्रोधे दासी रते बेसिया सब किछि को जे दासी भली सज्य करिनी सब कथे जे सही नबो सी होची उत्तम स्त्री रे गणा क्रोधे दासी रते बेसिया बेसिया जेमिति परपुरुष पाखरे अंगदान करिथाय निज स्त्री स्वामी पाखरे बेसिया पर अंगदान करिथाय सी होची उत्तम स्त्री लक्षण क्रोधे क्रोधे दासी रते भोजने जननी समा भोजन दे बा पुअर मन कथा जानी मा जे भली परसे खाइबा पई दे थाय मा हात बडा तुच्छा भात थाली लागई सुवाद अमृत रुबली लागई सुवाद अमृत रुबली लागई सुवाद अमृत रुबली मास नेहरे श्रद्धा रे खाली भात थालटा दउ ना मीठा मीठा कथा दुई पद पाखरे बसी कहि देबो कहि देबो तरकारी बिना से भात थालटा केते बले सरी जो जानि परिबो ने पु नाही मु खाइ परु मार कथा रे एते मीठा नाही मु खाइ परु काई गे मा बाढी देला सत हां खाली बाढी देथला गाली खाउ थिली मो मा बाढी देथला केते मास मास सब हेथला रबबारे भात गल्लानी आज हना आज मो स्त्री ना सुखला भात थाले बाढी देला हां हां एडी के आलू सजाते हां आ तको मेथी देला हना अन्य अन्य स्वादिया कथा करे अन्य अन्य खाइ देले हां अरे मां कथा तो सुआ दिया कथा आउ केओ दिया कहिबो ए नाही आगे आज देखो तनु एमिति भी मां माने अछंदी एमिति स्त्री गुटी गुटी अछंदी जनन समा पुअर मन कथा जानी मां जे भली खाया पई दे से स्त्री स्वामी रो मन कथा जानी पुओ भली खाया पई दे था तापरे जनन समा गला आगे विपदे मंत्रिणा बुद्धि स्वामी रो विपद समय रे राजा को मंत्री बुद्धि देला भली उत्तम बुद्धि दे थांदी ना मंत्री जे उत्तम बुद्धि देथाय साहस जगै थाय से परे शक्ति मय पुरुषर शक्ति किए नारी पुरुष को ही शक्ति जगै थाय नारी गोडा पुरुषर सफल पछर गोडा नारी हात थाय नै हां शक्ति मय से सब बेले उत्तम बुद्धि दे कुओ पत्थरु सुओ पथ उटाणी आले जे उत्तम नारी रे गोडा ए लक्षण काम उठला छारारी प्राण बल्लभा से हु उत्तम नारी रे गणा सु नारी गले हां देखि कु नारी कहिलो कु नारी सही चाणक कोले क्रोध व्याघ्र रते सरपी ये भोजने जोगिनी समा विपदे शत्रुता बुद्धि ये सानारी प्राण घातनी क्रोध व्याघ्र अर्थ करू छी तमे पर बुझिया पई ऑब्जेक्शन करू छो हां तबर बुझा होची बेसी क्रोध व्याघ्र घरे झगड़ा हे छी स्वामी स्त्री भीतर झगड़ा हैला क्रोध व्याघ्र आज्ञा स्वामी पदे कथा कि दीपद कथा कहि चंदी नै जे दस पद कथा कहबो छाजुनी बाहर उठि आज्ञा आगु आ कथा बढियो लागिला मो घर कथा तमो घर कथा ए कथा मो स्त्री पाखे अछि ए ए लक्षण ए गुणा कहिले जा को लुण पखट आइयो अच्छा मो कहले लुण आही तो कोन तमे खाउ न आज को चले दनो ना कोन चले देबी के अरे कोन चले देबी कोन चले देबी भाई बाघ बोला बिसि आइला गल्ली आ गल्ली लुण पकड़ आली लागी घरे बसली क्रोध व्याघ्र रते सर्पी रति किडा समय सर्प बोली फ फ हो कहन भाई कहन मु काई कहिल का कोन खाली फ फ नाक सब बोली भोजने जोगिनी समा जोगिनी कहले डाणी मु सब बुझी जाउ छी स्वामी को खाइबा पई परसी जेउ स्त्री डाणी बोली चाहि रहइबो बुझी गली पु हां मोरी घर कथा सब भात तो आही दप हई कि अनेक ना गिरासी बैठो डाणी बढ़िया को को हई तो ना ते तो आगे एकटा तापर विपदे शत्रुता बुद्धि
शत्रु गोटे शत्रु को जमी बुद्धि बताए खराब बुद्धि दब ना शत्रु लगे मित्र भाई बुद्धि दब तेना विपदे शत्रुता बुद्धि स्वामी विपद समय गोटे विपद गोटे विषम परिस्थिति सृष्टि होती है से समय भल बुद्धि कह कौन उत्तम बुद्धि दब कौन खराब बुद्धि जगे कहला एमती मत कही तुमको सदा मना करते कह ठेगा देलु पाला गाई आई गरम रक्त ठेगा नहीं कछाटा मारिक खाली साई रे फुस उठाई गली कहे किए कहला देखिए आईल भड़ा भड़ा एमती है तम मन मन तमें साई रे खाली एमती है बड़ वंश पु कौटे थे बेढ़ी गले पु गोटे छेचा छेचिले तम स्त्री बोले पड़ी कहीं ठेगा नहीं जाऊ कहला पर कह जा देखिए मत से जटिल परिस्थिति समाधान करे से ही दुनिया रे ही उच्च है उत्तम है से आज उदाहरण स्वरूप यज्ञ रात जाज्ञ से आज के समस्या समाधान करदे मन भितर केते दुख केते जंत्रणा पांचटा पति हवा जी गोटे नारी पाई केते दुखदर कथा आज से दुखदर मुहूर्त को बीतेइछन्दि से दुखदर मुहूर्त को सामना करिछन्दि जाज्ञसेनी मन भावि नेले कहले माँ कथा सम्मान देवी गुरु कथा सम्मान देवी कृष्ण कथा सम्मान देवी समस्त जीवन हस फुटे देई निज छाती भितर जे केते दुख केते जंत्रणा चापी धरिले से कहले बुझि न पारिबे ये कोले जुगे नारी के परिस्थिति चासे ए बंधु जाज्ञसेनी पंचपति घेनी बंचिलानी अमावते अवश्य मु समस्तंकर कथा को सम्मान देवी मां कथा को सम्मान देवी गुरु कथा को सम्मान देवी भगवान कृष्णकर कथा को सम्मान देवी पांच पांचटा पति हेइजिबे हेले पांचटा पति सिना मु ग्रहण करिवि बुझि न पारिबे कळे जुगे नारी केउ परिस्थिति चक्रे ए कळे जुगर नारी माने बुझि पारिबे नि मते को परिस्थिति रे पड़ी को परिस्थिति रे वशवर्ती होई द्रौपदी आज पांच पांचटा पति कले बोली बुझि पारिबे नि कळे जुगर नारी माने मोरी उदाहरण देई देबे प्रकृत कथा आज्ञा वास्तव जगत को देखंतु जदि सेमती परिस्थिति कहा जीवन रे आसुची मुखर बाहरी जाउची है जा जा द्रौपदी परि पर पांच पांचटा पति तेणु आज से कथा को मध्य अनुतप्त करिछन जटिल परिस्थिति रे सामना करी दुनिया को जे दिग्दर्शन देइछंती जने नारी जाज्ञसेनी से ही होछंती द्रौपदी द्रुपदंकर कन्या द्रौपदी बोले हे दिन जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे एक स्वरे हरि बोल्ला हुळहुळी दियो ए विश्व दुख जाओ नमस्कार मु गायिका विनोदिनी महाराणा आज मोर विषय थिला राधाचक्र महाभारत भित्तिक एक विषय राजा द्रुपदंकर एकमात्र अलिअली कन्या द्रौपदींकर विवाह निमित्त निरूपित महा आडंबरपूर्ण विधिवत प्रतियोगितार आनुकूल्यरे आर्यावर्तर वीरपुरुष मानकर विपुल समावेश सभास्थित एक सुउच्च कनकमंडप उपरे अवस्थित एक जलकुंड एई जलकुंडरे प्रतिफलित हुए ऊर्ध्वरे दोलायत मत्स्यर प्रतिबिंब सभार आभिमुख्य थिला जलकुंड को लक्ष्य रखी ऊर्ध्वरे दोलायित मत्स्यर नेत्र प्रति सरसंधान एवं निर्वाचित वीर प्रति अलिअली कन्यार प्रीतिपुष्पमाल्य अर्पण आज मोर ए विषय जदि मो परेषण आपण को भल लगे तो मत लाइक करूँ सेयार करूँ कमेंट करूँ मो नंबर है 6371563048